Hello my dear students, how are you doing? You all are fine now? Very good. Now let's start a new topic today. I'm your English teacher and we are going to discuss about your chapter number 14, page number 92 from your English book, Mona and the Sparrow. This is a story about a काइंड गर्ल हुज वेरी काइंड हार्ट जो बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है हु लुक्स आफ्टर द बेबी स्पैरो इन हर हाउस शी इज हैविंग स्पैरो नाउ लेट स्टार्ट मोना इज वेरी हैप्पी हर नेम इज मोना शी इज वेरी हैप्पी शी इज गोइंग टू स्टे विद हर ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि हमें पता है कि हर बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है सेम इज़ केस विद मोना शी लव्स टू स्पेंड टाइम विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड शी इज़ गोइंग टू स्टे विद हर ग्रैंड पेरेंट्स उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्टे करना है उनके साथ रहने जाना है अंकल आंट एंड कजन्स इन कोलकाता और उनके घर में कौन कौन है अंकल आंट है कजिन्स है ओके okay? दे स्टार्ट पैकिंग उन्होंने अब पैकिंग करना स्टार्ट किया मोना हैज स्मॉल शेल्फ ऑफ बुक्स, बुक्स। टू अरेंज हर एंड जो मोना है शी इज है शेल्फ ऑफ बुक्स उसके पास उसके रूम में एक शेल्फ है एंड इन दैट शेल्फ शी इज हैविंग सो मैनी बुक्स शी पैक्स दम इन अ बॉक्स एंड उसने क्या किया शी पैक्स हर बुक्स इन ए बॉक्स कहाँ पे पैक किया बुक्स को एक बॉक्स में शिफाइंस स्पैरोज नेस्ट इन कॉर्नर ऑफ आ बुक शेल्फ इन द मिडल ऑफ द नेस्ट देर आर टू एग्स और उसके पास जो बेबी स्पैरो था उसका नेस्ट भी उसके बुक शेल्फ पे था एंड जब वो सामने गई शिफाइंस देर आर स्मॉल एग्स जब उसने बेबी स्पैरो का नेस्ट देखा उस नेस्ट में क्या था देर आर टू एग्स उसमें दो छोटे छोटे एग्स थे द नेस्ट इज मेड ऑफ ट्विक्स और जो नेस्ट है वो किस चीज से बना है ट्विक्स ट्विक्स मीन्स घास के छोटे छोटे तिन के छोटे छोटे टुकड़े द नेस्ट इज मेड ऑफ ट्विक्स स्ट्रा एंड ड्राई लीवस नेस्ट किससे बनाता है बनता है जो चिड़िया होती है जो बर्ड होती है वो अपना नेस्ट बनाती है अपना घोंसला बनाती है विथ सम्स छोटे छोटे घास के टुकड़े ड्राई लीव्स जो होते हैं उससे वो अपना घर बनाती है अपना घोंसला बनाती है मोना लव्स टू वॉच द मदर स्पैरो एज शी सिट्स ऑन द एग्स और जो ही मदर स्पैरो नेस्ट पे बैठ जा मदर स्पैरो अपने नेस्ट में बैठती है अपने एग्स के साथ अपने एग्स के ऊपर बैठती है तो मोना को बहुत अच्छा लगता है देन द फादर स्पैरो देन द फादर स्पैरो ब्रिंग्स फूड टू हर और उसके बाद क्या होता है जो इन बच्चों का फादर होता है वो अपने बच्चों के लिए खाना ले आता है आफ्टर ए डे और टू सीज दैट दी एग शेल्फ आ ब्रोकन और उसको कुछ ही दिनों में लगा जो एग शेल्फ है मीन्स uh, 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 एक दो दिन में उसको लगा जो एग uh, शेल है वो उनको क्या हुआ वो टूट चुके हैं दे आर देर आर टू येलो कलर्ड बेबी स्पैरो इन दी नेस्ट और उसमें क्या निकला अंडों में से निकले छोटे छोटे दो बेबी स्पैरोन दे हॉप डांस एंड चर्प ऑल ओवर और उसके साथ ही डांसिंग एंड चरपिंग ऑल ओवर चिपिंग मीन्स जो बर्ड्स की साउंड होती है जो बर्ड्स की आवाज होती है दे चिप और उन्होंने क्या किया द बर्ड स्टार्ट और दिस टू बर्ड स्टार्ट चिपिंग वो फिर से अपनी आवाज में गाना गाने लगे दी सीन टू बी सेंग वट फन वट Soon they hop, dance and chirp all over. They seem to be saying What fun, what fun. Mona watches them with love. Now it is time to her to leave for Kolkata. Or Mona Bi enjoying enjoy Kariti. She is dancing and singing with these two birds. Or Mona ku apkyahe up time go usko Kolkata ka. How can Mona leave the two chicks behind and go to Kolkata? What if द कैट इट्स द चिक्स अब मोना परेशान हो गई कि अगर मैं कोलकाता जाऊंगी तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर ऐसा हुआ कि इनको कोई कैट का बच्चा खा गया तो फिर क्या होगा मोना टेल्स टेल्सा पेरेंट्स कैन वी गो आफ्टर फ्यू डेज मदर प्लीज प्लीज लेट द चिक्स ग्रो ए लिटल तो मोना ने अपने ममा से कहा कि हम इन बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं क्या हम कुछ दिनों के बाद कोलकाता जाए लेट एन लर्न टू फ्लाई एंड दे कैन गो तो मोना ने अपनी ममा से कहा दीज चिक्स आर वेरी लिटल वो अभी बहुत छोटे हैं अगर वो कुछ दिनों में थोड़ा सा उड़ना सीखेंगे लेट दम फ्लाई जब वो थोड़ा सा सीखेंगे उड़ना तो फिर वो अपना ख्याल रख सकते हैं और हम बाद में जाएंगे मोनाज पेरेंट्स इज येस मोना इज हैप्पी और इतने में मोना के पेरेंट्स ने एग्री किया दी सेट येस एंड नाउ मोना इज हैप्पी सोन दंग सोन देंग चिक्स लर्न टू फ्लाई एंड चिप और इतने में क्या हुआ कुछ दिनों में छोटे छोटे बच्चों ने उड़ना सीखा चलना सीखा और वो बहुत खुश हुए दे आर चिपिंग ऑल द टाइम फ्लाइंग हेयर एंड देयर और वो हर वक्त गाना गाते रहे हर वक्त अपनी मीठी आवाज़ में चिरपिंग साउंड करते रहे एक्चुअली दे आर सेंग थैंक यू मोना थैंक यू एक्चुअली वो क्या बोलना चाहते थे मोना को कि मोना ने उनका इतना केयर किया इतना ख्याल रखा और वो दे आर ट्राइंग टू से थैंक यू मोना वो मोना को क्या कर रहे थे उसको थैंक्स बोल रहे थे नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आप गेस कर सकते हो कि इस स्टोरी का मॉरल क्या होगा येस मै डियर स्टूडेंट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ऑलवेज लव बर्ड्स वी शुड केयर द बर्ड्स जिस तरह हमारी ममा हमारा ख्याल रखती है अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में हो कि छोटे छोटे बर्ड्स हो जिनकी हमें हेल्प की ज़रूरत है हमें उनको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए थैंक यू